उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के मोहल्ला हलुसराय के शिवांग रस्तोगी को यूपीएससी मेंस परीक्षा में मिली 307 रैंक। दिल्ली से लौटे शिवांग का परिजनों ने ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। शिवांग रस्तोगी ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की मेंस परीक्षा उत्तीर्ण की है। यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर जिले और परिवार का नाम रोशन करने वाले शिवांग को 307 रैंक मिली है। उनके आईएएस बनने पर परिवार और रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के शहर के मोहल्ला हलुसराय निवासी कारोबारी मनमोहन रस्तोगी के बेटे शिवांग रस्तोगी ने 12वीं की परीक्षा बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल संभल से उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय दिल्ली से बीकॉम किया और आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच इग्नू से एमकॉम भी किया। 2019 में शिवांग रस्तोगी ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की प्री परीक्षा दी लेकिन सफलता नहीं मिली। 2020 और 2021 में प्री परीक्षा में सफलता मिल गई लेकिन मेन एग्जाम में असफलता मिली। चौथी बार 2022 में संघ लोक सेवा आयोग की मेन परीक्षा दी। इसका परिणाम आने पर खुशी का माहौल बन गया। शिवांग को 307 रैंक मिली है। इसकी जानकारी होते ही परिवार में दिवाली जैसा माहौल बन गया। मंगलवार की शाम दिल्ली से लौटने पर शिवांग का परिजनों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर हुकूमत एक्सप्रेस ने शिवांग से और शिवांग के पिता से बात की। आप भी सुने क्या कहा उन्होंने। शिवांग, आपने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, क्या संदेश देना चाहेंगे और कितना हर्ष आपको हो रहा है और परिवार को कितना हर्ष? देखिए, काफ़ी खुशी का माहौल है सब जगह और सब परिचित लोग परिवारजन काफ़ी खुश है। अच्छा लग रहा है, सक्सेस प्राप्त करके अच्छा लग रहा है। शुरू से ही सपना क्या देखा था आपने? सपना यही देखा था कि देश के लिए कुछ करना है, अपने एफर्ट से जितना अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट कर पाए उसके लिए एफर्ट्स डाले और उसके लिए मैंने पब्लिक सर्विस चुना, तो यही है, उसी को मैंने टारगेट करने की कोशिश की। पोस्टिंग होती है, सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी, किस पर फोकस करेंगे? देखिए, इस पर डिपेंड करता है कि क्या पोस्टिंग मिलती है, क्या सर्विस एलोकेट होती है, बट मैं कोशिश करूँगा कि एजुकेशन की फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा कर पाऊँ और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट की फील्ड में मैं कुछ अपना योगदान देना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस बात को बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि जब तक देश की आधी जनसंख्या जो कि नारी है, जो कि वुमेन है, वो सशक्त होंगी तभी देश का एक बहुत अच्छे तरीके से विकास होगा, तभी एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। एक सवाल और मैं करूँगा, जो बिगनर होते हैं जो यूपीएससी की तैयारियाँ कर रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे, किस तरह से तैयारियाँ करें वो, क्योंकि लोग पहली बार में पास नहीं होते, दूसरी बार में पास नहीं होते तो हार जाते हैं वो, क्या संदेश देंगे? देखिए, ऐसा हो सकता है कि शुरू में आप पेपर का पैटर्न नहीं समझ पाएँ, कॉम्प्लेक्सिटी हो, कभी लक साथ नहीं देता, कभी आपकी प्रिपरेशन नहीं अच्छी होती, तो आपको अपने फंडामेंटल्स और बेसिक्स हमेशा स्ट्रांग रखने हैं, उसके बाद आप वैल्यू एडिशन हमेशा कर पाएंगे। और ये है कि देखो, अगर आपको शुरू में सक्सेस नहीं मिलती तो इसका ये मतलब नहीं होता हम फिर से खड़े होकर दोबारा नहीं लड़ सकते, हम दोबारा लड़ेंगे। अगर हमारा गोल क्लियर है तो हमें कोई नहीं रोक सकता, अगर गोल डगमगा गया तो सारे चैलेंजेस आप पे हावी हो जाएंगे। अच्छा, अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय पहले तो भगवान को देना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद से सारी चीज़ होती है। उसके अलावा मैं भगवान के इक्विवेलेंट ही अपने माँ बाप को उसका श्रेय देना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से, उनके कॉपरेशन से मैं अच्छा कर पाया, अच्छे तरीके से तैयारी कर पाया। और इसी के साथ मैं अपने जो मेरे टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं और मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी सहयोग कर अपना क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उनके कॉपरेशन से, उनके सेल्फ बिलीफ से कि मैं कुछ कर लूँगा, मैं आज मेरे को सक्सेस मिली है। शिवम, कहाँ से तैयारियाँ की थी आपने, कौन से कॉलेज से पास किया है, हाई स्कूल इंटर कहाँ से किया? मैंने अपनी स्कूल एजुकेशन तो बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है और मैं करीब LKG से लेकर क्लास 12 तक वहाँ से ही एजुकेशन ली है। उसके बाद मैं श्री वेंकटेश्वर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, मास्टर्स इन कॉमर्स, और बट मैं उसके साथ साथ UPSC की तैयारी में जुट गया था, तो इस तरीके से मेरी एजुकेशन जर्नी रही। जी, कैसा लग रहा है? क्या बस आज मेरे लिए बड़ी खुशी और गर्व का दिन है कि मेरे बेटे शिवांग IAS में क्लियर हुआ है और वो खुशी व्यक्त नहीं की जा सकती इस, मेरे सब परिवार में, मेरे सब परिचित लोग सभी बहुत खुश हैं और सब आ रहे हैं, बधाइयाँ चल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीदें थी शिवांग से आपको बचपन से? बचपन में शिवांग शुरू से ही मेरे को लगता था कि ये कुछ करेगा, कि
क्योंकि उसके अंदर ना थोड़ा सा वो था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था कि मेरे को डैडी ये करना है तो वो करना। हमने भी उसको इसीलिए हर चीज़ में वो कहा कि बेटा जो करना हो वो आप करिए। उसके बाद बोल ही रहा है कि भी देखो सब माँ बापों का भी सहयोग है सबका है। तो हम आप जो बच्चों के परिजन होते हैं यूपीएससी की परीक्षा कर रहे हैं वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं पास नहीं हो पाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही है कि घबराना नहीं चाहिए और अपने टारगेट पर कंसंट्रेशन रखना चाहिए। माता पिता किस तरह से हौसला दे पाते हैं? माता पिता को बच्चे को जो है हमेशा जो है आगे बढ़ने के लिए वो करना चाहिए और मॉडिफाई करना चाहिए कि बेटा जो कर रहे हो ठीक है, अगर एक दो अटेम्प्ट नहीं भी हो रहा है तो फिर आप मेहनत करो और अच्छी से करो। और उनको उसका माहौल देना चाहिए, एटमोसफेयर देना चाहिए जो उसके लिए संभव है और जो उसको सुविधाएं चाहिए वो देने के लिए कोशिश करनी चाहिए माँ बापों को। उससे बच्चे में भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सबके लिए अच्छा होता है। अब शिवम की माता जी ने शिवम ने आईएएस की परीक्षा पास की है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, हमें शायद उम्मीद भी नहीं थी कि जो कि हमारे बच्चे ने पूरा किया है। बचपन से क्या उम्मीद थी शिवम से आपको? यही था कि कुछ करके दिखाएगा अलग। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? बिल्कुल। कैसा जब पहली बार आपको पता चला बताया कि शिवम ने पास किया तो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा, खुशी हम अपनी व्यक्त नहीं कर पाए, इतनी अच्छा लगा हम लोगों को।